समाजवादी पार्टी तो 400 सीटें विधानसभा में जीत रही थी। उनके कहने में और उनके परिणाम में अंतर होता है। शिक्षक गुरुजन है, बुद्धिजीवी है, कोई बुद्धिजीवी समाजवादी पार्टी की गुंडई, समाजवादी पार्टी की अराजकता, समाजवादी पार्टी का दंगा, समाजवादी पार्टी के जमीनों पर कब्जा, ये कोई बर्दाश्त नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। इसलिए समाजवादी पार्टी का मान लीजिए कि वो डूबता हुआ जहाज है, उसका अंत एकदम जनता ने करने का ठान लिया है। जो बची खुची ताकत थी वो 2022 में थोड़ी बहुत दिखाए थे, लेकिन 2024 में हम 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे, तब उनको यह भी पता चल जाएगा कि जनता गुंडई को नहीं स्वीकार करती। या तो वो अपना चरित्र और चोला बदल करके 2024 के बाद कुछ दिखाई देंगे तो सदन में रहेंगे नहीं, कांग्रेस की तरह वो अभी भी लुप्त हो जाएंगे। मुलायम सिंह को भारत रत्न की बराबर मांग चल रही है सर। देखिए वो बहुत मैं क्या कहूँ, नादान किस्म के लोग हैं। जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रामभक्त मुख्यमंत्री पूर्व राज्यपाल बाबूजी कल्याण सिंह जी को पद्म विभूषण के सम्मान से सम्मानित किया, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में, शक्तिशाली नेता के रूप में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आज उनके प्रति जो भरोसा है, मैं जानता हूं आप सब मेरे पत्रकार मित्र भी कमल में ही ठोकोगे, हो ये भी मैं जानता हूं। बागेश्वर धाम को लेकर बागेश्वर भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि बैकवर्ड की जनगणना कराएंगे, 74 साल बीत जाने के बाद, लोकतंत्र के 74 साल बीत जाने के बाद बैकवर्ड की जातिगत जनगणना नहीं हुई अभी तक। जो कोई जरूरत होगी सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी ने संसद में विधानसभा में उठाया, नहीं नहीं जो सवाल उठाया गया, जो जरूरत होगी सरकार वो एक एक कदम उठा रही है। अभी तो हमारा लक्ष्य यही है कि सबका साथ सबका विकास जी, उसमें गरीब है और वह किसी जाति का है, किसी समुदाय का है, अगर उसके जीवन में संकट है उसको दूर करेंगे। ये तो राजनीतिक बयानबाजी है जी, कभी जिन्होंने आप बताइए सपा बसपा कांग्रेस वालों से मिल करके केंद्र में सरकार थी 10 साल मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, क्या किया इन्होंने? आज सवाल उठाते हैं, आज 3.5 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बन गए, अकेले उत्तर प्रदेश में करोड़ों गरीबों घर में शौचालय बन गए, जो घर अंधेरे में थे उनके घर में बिजली लग गई, जिस गांव में आने जाने की सुविधा नहीं थी वहां सड़क बन गई, आपके यहां बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन गया, डिफेंस कॉरिडोर बन गया। चुनावी सबसे बड़ा मुद्दा उठता है जाति का जंग लगा, नहीं वो कोई मुद्दा नहीं। बागेश्वर बाबा ने कहा कि हिरण मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अप्रोच कराए के मुख्यमंत्री से मिलेंगे, नहीं मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी तो वो भी सन्यासी हैं और वो भी एक बड़े कथाकार हैं। बागेश्वर सरकार जो है मैं मानता हूँ कि जो साधना करेगा, आप भी साधना करोगे, आप भी कोई चमत्कार दिखाने की क्षमता रखोगे, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, कुछ भी कर सकते। अभी मुख्यमंत्री जी मुंबई गए थे, वहाँ सुनील शेट्टी ने एक क्वेश्चन उठाया कि मतलब जो बायकॉट ट्रेंड चल रहा है इसको खत्म किया जाए, उस पर आप क्या कहें? आप सारे सवाल उड़ाई में क्यों करना चाहते आप ये समझ लो कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि अगर सपा बसपा कांग्रेस के लोगों ने इसका 10% करते तो आज उत्तर प्रदेश समस्या से मुक्त होता, देश समस्या से मुक्त होता, सीमाएं सुरक्षित होती, विश्व में भारत में का आज जो मान बढ़ रहा है ये आज से 50 साल पहले बढ़ गया होता। धन्यवाद।